जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं, ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता। आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस संवाद की जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। बात कर रहे हैं आदि पुरुष की। आदि पुरुष को लेकर जिस तरह से डायलॉग्स को लेकर हंगामा बरपा है, राइटर मनोज मुंतशिर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, लेकिन आज उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, क्योंकि मैं सनातनी हूं और सनातन का सम्मान करता हूं, इसीलिए वो डायलॉग जिन्हें लेकर आपत्ति जताई गई है, जिन्हें लेकर सवाल खड़े किए गए, जिन्हें लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें हम फिल्म से हटाएंगे। सवाल ये है कि क्या अगर ये संवाद हटेगा तो विवाद खत्म होगा? मनोज मुंतशिर हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। आज महाभारत में इसी पर करूंगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भिक्षाम देहि रिलीज से पहले चर्चा में रही फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई है। आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। लेकिन विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, अब फिल्म में डायलॉग को लेकर संग्राम छिड़ा है। खासकर हनुमान जी के डायलॉग को लेकर, हनुमान जी की भाषा को लेकर लेखक मनोज मुंतशिर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मेरे लिए मत लड़ना। दरअसल आदि पुरुष के डायलॉग मनोज मुंतशिर ने ही लिखे हैं। ऐसे में डायलॉग की भाषा को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन डायलॉग पर उठे सवाल पर अब मनोज मुंतशिर ने अपना पक्ष रखा है। रिलीज के तीसरे दिन ही फिल्म आदि पुरुष के विवादित संवादों को बदलने का ऐलान कर दिया। कुछ संवाद बदले जाए, ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता। वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है, और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे एतराज है आपको, तो ये 5 का एतराज मैं शिरोधारी करता हूं। अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाए तो करें। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5ों बदल रहा हूं, 100%। एक तरफ फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बम्पर ओपनिंग हुई है। फिल्म ने पहले दिन 140 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन 100 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हनुमान के किस डायलॉग पर विवाद हुआ। दरअसल फिल्म में हनुमान जी रावण के बेटे को कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। फिल्म मेकर्स विवादित डायलॉग पर कैसे चलाने के लिए तैयार है? जल्द ही विवादित डायलॉग बदले जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विवादित संवाद बदलने के बाद फिल्म पर उठ रहे सवाल खत्म हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे, जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। डायलॉग्स फिल्म में लिए गए, लिखे गए, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हुआ है, और खासकर उस सब जो कंट्रोवर्सी है उसके बीच एक लेखक मनोज मुंतशिर का नाम, क्योंकि मनोज मुंतशिर की एक ऐसी छवि रही जो सनातन से जुड़ी रही, इसीलिए जब हंगामा बरपा तो सवाल सबसे ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर या फिर फिल्म के और लोगों से नहीं बल्कि मनोज मुंतशिर से किए गए कि वो इस तरह के डायलॉग्स आखिर लिख कैसे सकते हैं जो सीधे सीधे आस्था को ठेस पहुंचाते हो। मैं आपको एक बार बता दूं कि आज महाभारत में बहुत से मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मनोज मुंतशिर सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए उसके बाद आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही गई, और उसी के साथ साथ जो दर्शक जा रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन फिल्म के जब राइटर ने कहा कि इन सारे डायलॉग्स को हटाया जाएगा, मैं सबसे पहले सीधे मनोज मुंतशिर जी के पास जा रही हूं। मनोज जी, स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। पिछले 2 दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सवालों के घेरे में आप रहे हैं,
और शायद पीड़ा इस बात की रहती है कि बहुत से अपने ही कई बार वो सवाल खड़े कर देते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते हैं हम, लेकिन वो सवाल खड़े होते हैं। तो आज सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि जब इन डायलॉग्स को लेकर सवाल खड़े हुए, आप उन सवालों के घेरे में खड़े नजर आए, उसके बाद आपने एक निर्णय लिया कि इनको संशोधित किया जाएगा, उसका मतलब क्या है? पूरी तरह से हटा देंगे? फिल्म में तकरीबन 4000 डायलॉग्स हैं। अगर आप देखें तो किसी भी फिल्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फिल्म की बात कर रहा हूं, लगभग 3.5 से 4.5 हजार डायलॉग्स एक किसी भी फिल्म में होते हैं। 4.5 हजार लाइनों में 5 लाइनें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, उनको आपत्ति है उस पर। तो अगर आपत्ति है आपको, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने फिल्म आप ही के लिए बनाई है। अगर 4.5 हजार डायलॉग्स में 5 पंक्तियों पर आपको एतराज है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपकी सुनूं। ये अहंकार लेके मैं नहीं बैठा हुआ हूं कि मेरे हाथ में ब्रह्मा की लेखनी है, मैंने जो लिख दिया वही सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पिक्चर है, भगवान श्री राम से जितनी श्रद्धा मेरे मन में उनके लिए है, उतनी ही आपके मन में है। बजरंग बली से जितना प्यार मैं करता हूं, उतना ही आप करते हैं। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। इस अपराध का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। आपको जो लग रहा है कि ये 5 डायलॉग चेंज होने चाहिए, तो बिल्कुल होंगे। आपका सम्मान शिरोधारी है, आपकी बात शिरोधारी है। आपने मनोज जी, जब ये बात कही, आपने आज बहुत सी बातें रखी हैं, और उनमें एक बड़ी बात आपने कहा कि जो सनातन का सम्मान करता है वही ये कर सकता है, ये हर कोई नहीं करेगा। और आपकी एक ऐसी छवि रही, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई और बहुत से लोगों ने जो सवाल उठाए कि ये डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, क्योंकि आपकी एक छवि ऐसी रही है जो मैं अगर कहूं कि भगवान श्री राम के भक्त या बजरंग बली के भक्त, अगर आपने इतनी स्तुतियां भी सुनाई है, कई बार लोगों ने सुनी, इसलिए सवाल ज्यादा आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और गहरे। देखिए, बजरंग बली का जो चित्रण हुआ है, वो चाहे बाबा तुलसीदास की रामायण में हो, बहुत सारी 300 रामायण इस देश में लिखी गई है अलग अलग मौकों पे, तो उनको बहुत बाल सुलभ, उनको बहुत मनमौजी, इस तरह का उनका चरित्र रहा है। और आप चाहे आदरणीय रामानंद सागर जी की भी रामायण देख लें, तो उसमें भी वो बहुत मौज मस्ती करते हुए आपको देखते हैं। तो जब यहाँ मेरे पास ये अवसर था कि मैं बजरंग बली के लिए कुछ लिखूं, तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रयोग किया कि ठीक है, बजरंग बली की भाषा थोड़ा सा और समसामायिक कर देते हैं, जो आज की भाषा है। ये एक प्रयोग है, मेरे लिए सबसे आसान था ये कि मैं सीधे आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लूं, उसमें जो जैसा लिखा है उसको अपने तरीके से घुमा फिरा के लिख दूं। इससे तो आसान कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जब मैं इस आसानी का रास्ता चुनता, तो शायद मैं अपनी वास्तविकता के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ इंसाफ नहीं करता। मुझे कुछ सोचना था, मुझे कुछ नया सोचना था। वो नया सोचना, वो प्रयोग अगर थोड़ा सा दाहिने बाएं हो गया, तो इस एरोगेंस में, इस अहंकार में तो मैं रहा नहीं, इस घमंड में तो रहा नहीं कि नहीं भाई अब कुछ नहीं होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात हमने हमेशा सुनी है, हम फिर सुन रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब उसी थिएटर में भगवान श्री राम कहते हैं कि धंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो आपने तालियां बजाई, आभार आपका। उसी थिएटर में जब भगवान श्री राम अपनी सेना से कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, मर्यादा के लिए लड़ना, आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जब इन डायलॉग्स पे आपने तालियां बजाई, इन डायलॉग्स पे आपने मनोज मुंतशिर को सम्मान दिया, तो अगर मनोज मुंतशिर शुक्ला की लिखी हुई कोई बात आपको नहीं पसंद आई, तो उसका सम्मान मेरी नजर में उतना ही है जितना उन तालियों का है, जितना उस प्रशंसा का है। मैं आपसे मनोज जी ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि कई आपकी ऐसी पुरानी, और क्योंकि आप खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके कई पुराने ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आपने कहा था कि हम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं रामायण की। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्जैक्ट कॉपी है, क्या मनोज जी अपनी बात से पलटे हैं, या फिर ये क्रिएटिव फ्रीडम के दायरे में आता है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपने बनाते बनाते बदलाव किए उसमें, ये आपकी प्रेरित कहानी है या आप इसे कहेंगे ये रामायण है? देखिए, अगर मैं ये कहूं आपसे कि तुलसीदास की रामायण क्या है, मैं आपसे अगर सवाल करूं, तो तुलसीदास की रामायण भी वाल्मीकि रामायण से प्रेरित रामायण है रामायण ही, लेकिन प्रेरित है, और इसीलिए काफी कुछ अलग है।
आप बाबा तुलसीदास की रामायण में और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में बहुत सारे अंतर पाएंगे। एक घटना यहाँ है, वहां नहीं है, कुछ वहां है, यहाँ नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कहीं नहीं है। तो जब आप रामायण पे या आदिपुरुष नाम की जो फिल्म हमने बनाई है, तो जाहिर सी बात है आप प्रेरित तो होंगे ही। 100% का मतलब क्या है? 100% कौन सी रामायण पे? 300 तरह की रामायण है, किस रामायण को मैं 100% दिखाऊंगा? तो जो राम कथा वाचन की जो परंपरा हमारे यहाँ रही है वो हमेशा ऐसी रही है कि हमने राम कथा को आत्मसात किया और आत्मसात करके जो उस दौर की उस समय की भाषा है उस तरीके से हमने सुना दी। तो जब आप सुनाएंगे आपके जरिए राम कथा निकलेगी, तो तुलसी के जरिए वाल्मीकि की राम कथा नहीं निकली है, तुलसी बाबा उसमें आ गए। तो जब मैं सुनाऊंगा तो थोड़ा सा मैं तो उसमें आ ही जाऊंगा, मैं अच्छा भी आऊंगा, मैं बुरा भी आऊंगा, मेरे अंदर जो गलतियां हैं खामियां हैं वो भी आ जाएंगी, वो एक पैकेज है। लेकिन वो गलतियां वो खामियां मैं सही और गलत को एक ही तराजू में तोलता हूँ, सिर्फ एक तराजू में, कि सही गलत कुछ नहीं है, जो मेरे लोगों को गलत लगा वही गलत है। फिर मैं उसके पक्ष में तर्क देने भी नहीं बैठूंगा कि देखिए तर्क ये है तर्क वो है। तर्क तो मैं हजारों दे सकता हूँ, लेकिन तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, आपका दर्द कम नहीं होगा। मेरे लिए आपकी वेदना जरूरी है, आपकी भावना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप थिएटर से जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकलें और अपने बच्चों को अगली बार दोबारा लेके वो फिल्म दिखाने जाएं। उसके लिए कोई परिष्कृति अगर चाहिए, उसके लिए कोई सुधार चाहिए, तो मैं, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर ओम राउत, श्री भूषण कुमार, हम सब तैयार हैं। हम सब के लिए आपसे बड़ा, आपसे जरूरी कोई और नहीं है। मनोज जी, मैं आपसे ये भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच, मुझे लगता है पिछले दो दिन जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, चर्चा आदि पुरुष को लेकर हुई है। लोग घरों में भी बातें कर रहे हैं, ऑफिसेज में भी बातें कर रहे हैं, कुछ डायलॉग्स की भी बातें हो रही है। आपने इस पर कई बार बोला, लेकिन मैं इसलिए पूछूंगी क्योंकि जब डायलॉग की बात आती है, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि जब ये डायलॉग्स लिखे गए, जब आपने इसको दूसरों से शेयर किया, या फिर बतौर एक टीम आप लोग बैठे, जब आपने कहा कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, मुझे पता है इसके बारे में आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन क्या इन पर उस समय प्रतिक्रिया नहीं हुई कि इस तरह के डायलॉग्स बजरंग बली कैसे बोल सकते हैं? क्या इस तरह का विमर्श उस समय कुछ हुआ, या आपको लगा कि ये सही था इसलिए आपने किया? देखिए, होता क्या है, जब एक टीम के तौर पे आप फिल्म बना रहे होते हैं तो पहले तो सबसे ज्यादा आप भावना से रूल्ड होते हैं, और हम सबकी भावना निष्कलंक निष्पाप थी। हम में से कोई किसी को ये नहीं कह सकता था कि यार तुम ये पिक्चर किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए बना रहे हो, या तुम मनोज मुंतशिर ये लाइन लिख रहा है तो इसको लिखने के पीछे उसका लक्ष्य ये है कि एक दिन उसकी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कुछ नहीं था, हम सिर्फ राम कथा सुना रहे थे। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक कहानी, एक स्क्रिप्ट तकरीबन 50 लोगों की नज़र से गुजरती है इसके पहले कि वो आप तक थिएटर में पहुंचे, तो कहीं से कोई आपत्ति आई नहीं। और आज भी जब आपत्ति आई है तो मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल सही गलत का नहीं है, सवाल गलत और अलग का है। तो जो हमने किया है ना वो अलग है, और अगर उस अलग को आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हम जो आप चाहते हैं वो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, क्यों नहीं। आपको मनोज जी ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत से लोगों ने पिछले दो दिन में हमला किया है, और ऐसे भी लोग हैं जो आपके शायद साथ खड़े रहे हमेशा, लेकिन आपको हैरानी हुई कि ये लोग अब कैसे आप पर हमला कर सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि आपने अपनी पोस्ट में लिखा मुझे कैसे राष्ट्रद्रोही तक करार दे दिया गया है कुछ डायलॉग्स के चलते। देखिए, मुझे दुख तब होता है, अब मैं वो मैसेजेस और मेल्स यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। आप जानती हैं कि मुझे इस देश में सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? सबसे ज्यादा इस देश की माओ से। मेरी जो कविताएं जो मैं टेलीविजन पे माओ के लिए पढ़ता रहता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, मेरे लिए इमिग्रेशन क्लियर करके और फ्लाइट तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ भी मुझे कोई माँ मिलती है वो मुझे देखती हैं, आके गले लगाती हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, मुझे आशीर्वाद देती हैं। मैं तो भगवान राम का ये आचरण मैंने अपने जीवन में उतार लिया है, जैसे वो शबरी के चरणों में भी ऐसे बैठे कि कौशल्या के चरणों में बैठे हूँ। हर माँ मेरी माँ है, तो मैं ऐसे जीता हूँ कि सबकी माँ मेरी माँ है। उसके बाद क्या होता है कि कोई मेरी माँ के लिए अशोभनीय शब्द, ऐसे शब्द जो कि ना भाषा के संस्कार लिए हुए हैं, ना वो गालियाँ उस तरह की, माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ ना मैं डिजर्व करता हूँ, तो मुझे बहुत 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 तकलीफ हुई कि आप ये तो ना करें मेरे साथ, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कि फ्राइडे पिक्चर रिलीज होती है, सैटरडे गुजरा, संडे 11:50 पे मैंने क्या क्या किया होगा।
मैंने कितने कॉर्नर्स टच किए होंगे, और हमारे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार और ओम राउत मेरे दोस्त फिल्म के निर्देशक हैं, हमने क्या क्या किया होगा। फिल्म एक आदमी की बनाई हुई नहीं होती है, इतने स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमने कितनी तवज्जो, कितना सम्मान किया होगा जनता की राय का कि एक रात में हमने ये फैसला ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये करोड़ों का खर्चा है, लेकिन यहां तो हमारे लिए ना पैसा मैटर करता है, ना हमारे लिए वो मेहनत मैटर करती है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारे लोगों को जो बात पसंद नहीं आई हम उसको संशोधित करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी आवाज बनके, जो सनातन की आवाज बनके बॉलीवुड में खड़ा है, आप मुझे दबा दोगे, खत्म कर दोगे, कर दोगे। आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है, आप जनता जनार्दन हो, लेकिन एक बात आप जान लेना कि एक मनोज मुंतशिर के जाने के बाद ना शायद आपको 20-25 साल कोई और नहीं मिलेगा जो सनातन की आवाज, जो सनातन का स्वर इतने आत्मविश्वास के साथ गुंजायमान करे और उसके बारे में बोले, जो हिंदुत्व की बात करे खड़ा होकर, कोई नहीं मिलेगा आपको। ये नुकसान मेरा और आप दोनों का है। आप मेरे भाई हो, आप क्षमा करना तो सीखो। जब मैं किसी जिद पे नहीं हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात सर्वोपरि है, सनातन सर्वोपरि है, तो आप मुझे कब क्षमा करेंगे? आप वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि कुछ वीडियोस बना लेंगे, कुछ आपको मॉनेटरी फायदा मिल जाएगा, कुछ ट्रैक्शन आ जाएगा आपको, इसके लिए आप नुकसान पहुंचा रहे हो मुझे? बहुत छोटी सोच है आपकी, ये मत सोचो। मिलके काम करते हैं भाई। ये आपने आपने मनोज जी, ये आपने बरसों बाद कुछ परिवर्तित हो रहा है, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। आप ये कह रहे हैं कि शायद बहुत से लोग, और ये होता है, ये हमने अक्सर देखा है कि शायद कुछ लोगों पर हमला करके उन्हें लगता है कि उनके लिए एक 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 वो कमाई का जरिया हो सकता है, और ये बहुत एक डेंजरस ट्रेंड है, लेकिन बहुत से लोग ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक खास लॉबी आपको टारगेट कर रही है? ये लॉबी मुझे आज से टारगेट नहीं कर रही है। जिस दिन पहली बार मैंने जय श्री राम का जय घोष किया होगा, जिस दिन पहली बार मैंने गर्व से यह बात कही कि मैं ब्राह्मण हूं, जिस दिन मैंने चंद्रशेखर आजाद के साथ तिवारी लगा दिया, जिस दिन मैंने कहा कि ये जो मुगलों के पाठ हैं ये टेक्स्ट बुक से हटने चाहिए, जिस दिन मैंने इस बात को चैलेंज किया कि वाकई क्या जो युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का उसमें महाराणा प्रताप हारे थे जैसा कि हमें टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है, इन सब चीजों को जब मैंने चुनौती दी, तब से मेरे खिलाफ एक लॉबी, और जो बड़ी सशक्त लॉबी है, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, ये तो मेरे खिलाफ है, ये तो मेरे विपक्ष में है, इनसे तो मैं अकेला लड़ता हूं। सच बताऊं, मेरे पास अगर कोई बल है, अगर कोई ताकत है, तो यही लोग हैं मेरे भाई जो सोशल मीडिया पे हैं, जो मुझे मिलते हैं, जो मुझे स्नेह करते हैं। मेरे पास कोई और ताकत नहीं है, ना मैंने सरकार से कोई मदद ली हुई है, ना मैंने कोई सिक्योरिटी ली हुई है, कुछ भी नहीं लिया मैंने, मैं अकेले के दम पे खड़ा हूं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जगह आपने ऐसा कुरेद दिया है कि वो दर्द मेरा बाहर आ रहा है। मैं जिस जगह पे हूं सिनेमा में, मैं फिल्मों में सबसे अच्छी पोजीशन पे आज हूं बतौर लेखक। गाने हिट हो रहे हैं, हर दूसरा प्रोड्यूसर मेरे साथ काम करना चाहता है, सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती है। इसके बावजूद मैं साल में कम से कम 10 से 12 फिल्में इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इससे जोड़ा ना तो जो सनातन की भावनाएं हैं वो थोड़ा सा उनको ठेस लगेगा और मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, शायद मैं कुछ गलत बोल जाऊं, ये फिल्म सही नहीं है मेरे लिए, ये सब्जेक्ट सही नहीं है मेरे लिए। इतनी फिल्में मैं छोड़ता हूं, क्यों छोड़ता हूं? आधी फिल्म इंडस्ट्री जानबूझ के मेरे साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि उनको पता है कि मनोज मुंतशिर के रहते स्क्रिप्ट में एक ऐसी बात नहीं आ सकती जो पाप का देवता या गुनाहों का देवता या हवस का पुजारी, इस तरह के शब्द मनोज मुंतशिर के रहते फिल्म में रह नहीं सकते, वो आते नहीं है मेरे पास। मैंने बॉलीवुड के इन नॉर्म्स को चैलेंज किया है आपके दम पे। मैं अपनी आजीविका, वो आजीविका जिसको मैं अगर कमाने पे आऊं तो मैं बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता हूं, मैं शायद मैं प्राइवेट जेट से उड़ सकता हूं अगर मैं सब कुछ करने लग जाऊं तो। मैं क्या करता हूं, साधारण जीवन जी रहा हूं। मैं साधारण जीवन इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मैं उतना ही करूंगा जितने में मेरी सनातन मर्यादाओं को ठेस ना पहुंचे। लोग फिल्मों में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मैंने पूरी जिंदगी जूतियां घिसी हैं, मेरा स्ट्रगल हर जगह आपको पता है। उतना स्ट्रगल करने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है आपने फसल बो दी, आप फसल काटो। जब मेरे फसल काटने की बारी आई तो मेरे सनातन संस्कार जाग उठे। मैंने कहा नहीं, मैं सनातन की कीमत पे कोई फसल नहीं काटूंगा, मैं फिल्में करूं ना करूं मैं, और तब आप पर ये आरोप लगता है जिंदगी जी लूं, लेकिन आज मैं तब आप पर आरोप लगता है, बस यही मुझे दुख है, बस मुझे इतना ही दुख है कि आप मेरी वास्तविकता तो समझे। आप मुझे बताएं, आपने मुझे कब किसी फिल्मी पार्टी में जाम छलकाते हुए देखा है? मैं पूछ रहा हूं, क्या मेरे पास वो विकल्प नहीं है? मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूं, ठीक ठाक से लोग मुझे जानते हैं, मुझे हर पार्टी का इनविटेशन आता है। आपने कहां देख लिया कि मैं डांस कर रहा हूं, मैं बॉलरूम पार्टीज में हूं? मैं जिस बॉलीवुड को आप जानते हैं उस बॉलीवुड में आपको मनोज मुंतशिर कहां दिखा है?
अगर नहीं दिखा है ना तो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा में रहना चाहता हूँ, और क्योंकि आप मनोज जी बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जहाँ मैं जन्म लिया, ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो आपको सुनते हैं और आपकी आपकी जो लेखनी है उससे बहुत प्रभावित रहे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो आपके इन 5 डायलॉग्स, क्योंकि आपने कहा कि 4000 संवाद किए लेकिन लोगों ने सिर्फ 5 देखे, 5 डायलॉग से आहत थे, लेकिन आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि सिनेमा थिएटर से जय श्री राम बोलकर निकले वो मेरी उपलब्धि होगी, और शायद उसी वजह से आपने आज ये फैसला लिया कि उन 5 डायलॉग्स को आप हटाएंगे। ये आपने भावनाओं को ध्यान में रखकर किया है। मैं उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि मेरे पास एक और बड़ा पैनल है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपकी इस बात से लोग जुड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं जुड़ेंगे तो मुझे पता है कि मनोज मुंतशिर उनका भी जवाब देंगे, और कैसे देंगे वो आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं बस यही कहूंगी कि जय श्री राम का नाम लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए आज जो मेरे साथ मेहमान है, हमारे साथ मुकेश खन्ना जी जुड़े हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं, ये आदि पुरुष फिल्म की टीम का हिस्सा है, मानवी तनेजा जी स्टूडियो में आ गई हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शोएब हुसैन चौधरी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं मुकेश त्यागी जी, एक्टर मुंबई से जुड़ रहे हैं सुरेंद्र पाल जी, उनको भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जिन्होंने महाभारत देखी वो सब जानते हैं। लेकिन मैं पहले मुकेश जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने आपको इस फिल्म को लेकर, इस डायलॉग्स को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मनोज मुंतशिर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं ये डायलॉग्स हटा रहा हूं, लेकिन इन 5 डायलॉग्स के अलावा आप इस फिल्म से जब बाहर निकलेंगे तो आप जय श्री राम कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, मैंने अभी मनोज जी की पूरी बातें सुनी है जी, वो 5 डायलॉग हटाने को भी तैयार है, पर वो क्लेम करते हैं कि ये 5 डायलॉग मैं हटा दूंगा क्योंकि मैं पब्लिक के विचारों की कदर करता हूं। पर पब्लिक अगर कहती है कि ये सब कुछ बहुत कुछ सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, पूरा लुक चेंज कर दिया है, और उसके बाद आप समझते हैं कि ये 5 डायलॉग हटकर वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक तरफ से तो मुंतशिर कहते हैं कि भाई मैं उनकी उनकी भावनाओं की उनकी कदर करता हूं, तो और कहते हैं कि मैं भी सनातनी हूं, तो क्या दो तरह के सनातन धर्म होते हैं क्या? इनका सनातन धर्म ये कहता है कि रामायण ये है, जबकि करोड़ों लोगों का सनातन धर्म कहता है कि रामायण हमारा वाल्मीकि का रामायण है। इन्होंने एक जगह चेंज नहीं किया, उन्होंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर ड्रेसेस चेंज कर दिए हैं, कानन कुंडल कुंचित के साथ हाथ वज्र वो गदा विराजे के, वो हनुमान को चमड़े की ड्रेस दे दी है, श्री राम को उन्होंने चप्पल दी है चमड़े की, और ऐसी ऐसी उन्होंने जो सीन्स चेंज किए हैं वो अगर कहें, जो मुझे पसंद नहीं आई बात उनकी अभी अभी इन्होंने कही कि भाई रामायण के बहुत सारे प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं साहब, कौन सा प्रकार है, कौन क्लेम करता है कि रामायण जो है 10 प्रकार की तरह लिखी गई है, या किसी ने लिखी है तो उसने धृष्टता की है, कोई भी वाल्मीकि से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं अपनी कहानी लिखता हूं तो मेरी वो कहानी है, उसको कोई चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं। इन्होंने दृश्यता की है और इन्होंने पूरे का पूरा रामायण को लुक चेंज कर दिया, और कहते हैं कि कोई लॉबी है जो मेरे खिलाफ है, अरे साहब लॉबी नहीं है, मैं किसी लॉबी का नहीं हूं, फिर मैं क्यों आपका विरोध कर रहा हूं, क्योंकि आपने गलत काम किया है, आपने रामायण को ऐसा पेश किया है जैसे कि मैंने एक रिव्यू में से एक बच्चे को बाहर निकलते देखा, यंग लड़के को तो वैसे भी आजकल कुछ पता नहीं हमारे संस्कृति की, वो खाते हैं पीते हैं नाचते हैं डिस्को करते हैं, वो दुनिया भर की यूट्यूब देखते रहते हैं, वो निकले और उसको पूछा कैसी लगी आपको फिल्म, कहा कि वो अच्छा है, वो अच्छा लगा, कॉमेडी अच्छा लगा आपको, कॉमेडी अच्छा लगा, अरे रामायण कब से कॉमेडी हो गई, रामायण जैसे सात्विक और एक एक सौम्यता से भरे हुए, एक दिव्यता से भरे हुए, एक रिलेशनशिप, एक हमारे हमारे देश की परंपरा से जुड़े हुए रिलेशनशिप के ऊपर, चाहे बाप और पिता और पुत्र हो, चाहे वो भाई भाई हो, उसमें आप कॉमेडी लाते हैं, वो भी किससे, आप रावण से लेकर आते हैं, जिसने पहले दिन ही क्लेम कर दिया था कि आई एम गोना प्ले रावण एंड आई एम गोइंग टू मेक हिम लुक मेक हिम ह्यूमरस। मैं एक बार उस वक्त भी मैंने कहा था हु द हेल, यस यस टेल मी,
मुकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरी की पूरी फिल्म का ही ये रामायण लग नहीं रही है, और जिस तरह से आपने रिएक्शंस की बात कही है, आप रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मैं एक बार जरा रामकृपाल जी के पास जाऊंगी। रामकृपाल जी, मुझे बताइए, ये इजाजत है, ये क्रिएटिव लाइसेंस है, या फिर ये अलाउड नहीं है? आप जिस तरह का छेड़छाड़ कर रहे हैं किरदारों के साथ, या फिर आप डायलॉग्स जैसे लिख रहे हैं, उन्हें तो वापस ले लिया, लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं कि किरदारों का क्या, ये क्या देखकर रामायण लग रही है, उनका सवाल आपको वाजिब लग रहा है? देखिए, सच्चाई जो है मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब उन्होंने मान लिया है कि भाई वो जिन पर जिन डायलॉग्स पर आपत्ति है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जो भी डायलॉग लिखे गए हैं कहीं ना कहीं, देखिए जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं राम को ले रहे हैं तो एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, इस देश में रामलीलाएं आज से नहीं सैकड़ों सालों से हो रही हैं, तरह तरह की नॉर्थ उत्तर से दक्षिण तक रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ कि, चूंकि हमारे यहाँ पर जो लोग भी हैं, जो रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ा है, संस्कृत का वाल्मीकि रामायण तो कम पढ़ा होगा, मानस जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको भी 10-20 चौपाइयाँ अपने आप याद रहती हैं। तो एक राम और पूरे एक सारे करेक्टर की, हनुमान जी की एक इमेज बनी हुई है। तो अगर कोई शब्द, या जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं पोशाक, जाहिर सी बात है अगर उससे थोड़ा बहुत, देखिए रामलीलाएं खेली जाती हैं, इसी दिल्ली में इतनी रामलीलाएं होती हैं, आप जाइए तो थोड़े थोड़े अंतर से खेली जाती हैं, थोड़ा ड्रेस भी अलग हो सकता है, बट ओवरऑल ये नहीं कहा जा सकता कि आप मूल, जो मूल मैसेज था या मूल करेक्टर था उससे आप बहुत हट गए हैं, या जो मर्यादा कहते हैं, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे पोशाक में हो चाहे शब्द में हो, क्योंकि जब भी हम राम जो है वो भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं, और वो प्रतीक इस तरह से हैं कि सबके मन में बसे हुए हैं, एक उनका रूप है, तो जाहिर सी बात है कि उससे अगर छेड़खानी की गई, छेड़खानी का मतलब मैं ये कहता हूं, आप लिबर्टी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिबर्टी अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, वो फुहरता तक नहीं जानी चाहिए। बहुत से लोग लिबर्टी लेते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या ये हुआ है, क्या ये हुआ है, एक बार मैं इसलिए पूछ रही हूँ रामकृपाल जी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कमाई जो हो रही है वो बंपर हो रही है, वैसे जो कमा लिए मानवी फिल्म ने पहले दिन में 140 करोड़, फिर दूसरे दिन 100 करोड़, तीसरे दिन का भी हिसाब नहीं है, लेकिन फिल्म देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये जो एक दोनों के बीच में जो एक डाइकोटमी है, या फिर समानता नहीं है कि लोग तो देखने आ रहे हैं लेकिन उसके बाद विवाद भी है, तो विवाद के चलते ही लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने देखिए, आपने 200 बोला, मैंने कहा 250 करोड़ से ऊपर की कमाई हो चुकी है पिक्चर। सुरेंद्र जी, पहले दिन जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो था और लोग जाके जब देख रहे थे मूवी, जब मूवी स्टार्ट होने लगी थी तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और जब मूवी देख करके निकले तब भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो ये कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? जाहिर सी बात है ऑडियंस ही है, और हाउस फुल जा रहा है सबका, और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सीता माँ के नारे लग रहे हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है पिक्चर। और जहां तक मैं ये बात कहती हूं, उनको कुछ चीजों में आपत्ति है, तो सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया, आप अब ये भी नहीं बोलने के उसमें हक में रहे कि OTT में रिलीज हुई है, अब सेंसर बोर्ड ने पास करा, तो सेंसर बोर्ड ने, इतने ज्यादा पैनल होता है सेंसर बोर्ड का, उसने देखा, उनको आपत्तिजनक नहीं लगा, और जहां तक सीन्स की बात है मुझे भी कुछ आपत्तिजनक नहीं लग रहा, क्योंकि जो मनोज है जिन्होंने लिखी है उन्होंने, और ओम राउत ने बोला कि हमने आज के यूथ को देख करके बनाई है, मॉडर्न जमाने को देख करके बनाई है हमने पिछले, और अगर आप देखें 300 वर्जन हैं तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आज के जमाने को देख के बनाई है और लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन ये दो चार नफरती चिंटू जो आ जाते हैं ना, वो सारा का सारा जो परसेप्शन है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप लोग देखने, देखिए मुझे लगता है कि किसी भी तरह के शब्दों के इस्तेमाल से हमें परहेज करना चाहिए मानवी, वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर किसी की अपनी राय है, और जब जो राइटर हैं और फिल्म के जो लोग हैं वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि अगर आहत हुए हैं तो उसे हटाना चाहिए, मुझे लगता है जनता की राय से बड़ी कोई राय होती नहीं है, और इसीलिए लोग उसके चलते ही संशोधन करते हैं। सुरेंद्र जी, अगर मैं आपके पास आऊं, दीपक जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन सुरेंद्र जी आपको मैं तो यह कहूंगी कि आपको, मुकेश खन्ना जी को जब हमने देखा, रामायण देखी, महाभारत हमने देखी, वो आज भी हम देखते हैं तो उतनी ही अच्छी लगती है, और आज भी वो किरदार उतने ही अच्छे लगते हैं, तो क्या ये जो बात कही जा रही है कि समय के साथ बदलाव करके इसे किया गया,
आज के समय में क्या यंगर जनरेशन के लिए आपको लगता है ये जरूरी है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स को ये लगा, या फिर उनकी भी अपनी एक सोच रही होगी, उस सोच को हम फ्रीडम या क्रिएटिव लाइसेंस कहें या फिर नहीं, उस वो अलाउड नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बदलाव वाली जो बात आपने कही है, हाँ, बदलाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, और करोड़ों लोगों की इस ग्रंथ के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, और ये जो ग्रंथ है ये हमें जब हम छोटे थे तो हमारी माँ जो थी हमको रामचरितमानस पढ़ के सुनाया करती थी, और हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वही सारे कैरेक्टर छुपे हुए रहते हैं जो हमारी माँ ने हमको बचपन में रामचरितमानस पढ़ के सुनाया था, और वही चौपाइयां सुनाई थी। यदि उन चौपाइयों को या उन मर्यादाओं को आप लांघेंगे और क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली हमें दुख होगा, क्योंकि ये कोई लाइब्रेरी की किताब नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जिसे आप तोड़ मरोड़ के दर्शकों के सामने कॉमर्शियल उसमें ऑस्पेक्ट डाल के, VFX वगैरह डाल के आप उसे थोड़ा सा अच्छा सा नमकीन तीखा बना के दर्शकों के सामने पेश कर दें और दर्शक उसे पसंद करने लगे। ये कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं था जो कि किसी भी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लो जाके। नहीं, ये नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, और इस मर्यादा को हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए थे, और हमें इसके ऊपर एक जैसे आपने कहा महाभारत और रामायण को अगर लोगों ने बहुत पसंद किया तो महाभारत के बाद में एक बात मैं और बता दूं, मुकेश जी बैठे हुए हैं उनके सामने ही बताता हूं कि सिर्फ राही मासूम रजा साहब को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि सिर्फ उन्होंने ही अच्छी कहानी लिखी, उसके साथ साथ दिया चोपड़ा साहब ने सात बड़े राइटरों को भी बैठा रखा था जो उसके ऊपर बहस करते थे और उसके कंटेंट को कभी भी चेंज नहीं करते थे, कंटेंट वही रहता था जो हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत बुक में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसी कंटेंट को रोचक जरूर बनाया जाता था, लेकिन कभी उसको हेरा फेरी नहीं की गई है। ये जो है हम तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से दर्शकों को एक एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं तो ये गलत था, डेफिनेटली गलत है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं एक बार दीपक जी से पूछती हूँ, दीपक जी वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश है, और मैंने जैसा मनोज मुंतशिर से भी पूछा, उनकी छवि ऐसी रही है, सनातन की बात वो हमेशा करते हैं, खुद भी सनातनी खुद को कहते हैं, इसीलिए ये सवाल ज्यादा उठे। दीपक जी वो कह रहे जो बात अभी सुरेंद्र जी ने कही, उन्होंने कहा कि ये छवि खराब करने वाली बात है। मैं बिल्कुल इनके बात से इत्तफाक रखता हूँ, ये जो फिल्म है ये मिसिंग टाइम सिंड्रोम के शिकार हो गई। जिन्होंने इस फिल्म को नहीं भी देखा है वो ये जानते हैं, इन पांच डायलॉग्स को जानते हैं, इसके अलावा फिल्म के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है। उनसे आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि नहीं, यहाँ पे भावनाओं का अपमान हुआ है, हनुमान जी के लिए ये यूज कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने फिल्म नहीं देखी, ये असलियत। तो यहाँ मैं कहना यही चाहूंगा कि सबसे पहले इस फिल्म को देखें। नहीं, ये बात तो मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये मैंने भी बहुत से लोगों से जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो सिर्फ इन पांच डायलॉग्स की चर्चा कर रहे हैं, ये बात तो मैं भी आपको बता सकती हूँ जी। लेकिन और जो 3,295 डायलॉग्स हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते। मैंने इस फिल्म को देखा, मैंने इसके गानों को देखा है, और एक बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने सुंदर डायलॉग्स और इतने सुंदर गीत लिखे गए हैं जो आने वाले बहुत सालों तक, वर्षों तक गुनगुनाए जाएंगे, घर घर में गाए जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब मैंने पहली बार राम सिया राम वाला गाना अपने घर में प्ले किया कि राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, तो मेरी बिटिया आज पिक्चर ये गाना सुने हुए कई दिन हो गए बट आज तक वो गुनगुनाती है, ये गाना ऐसा उसके सबकॉन्शियस माइंड में बस गया है, इतना सुंदर गीत लिखा गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबके दिलों पर, दिमाग पर ये गाना राज करेगा और सब जय श्री राम और जय सिया राम के नारे लगाते रहे। ये अब मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने राम सिया राम वाला गाना नहीं सुना, ये उन्होंने भी लिखा मनोज जी ने, उन्होंने कहा कि जय श्री राम गीत नहीं सुना है, उन्होंने शिवोहम नहीं सुना है, उसमें किस तरह के गाने लिखे गए हैं, जो स्तुतियां मैंने लिखी हैं वो नहीं सुनी, लेकिन सारा ध्यान इन पांच डायलॉग्स पर और टारगेट करने पर लग गया। मुकेश जी कौन कौन कहता है कि हम सिर्फ पांच डायलॉग की बात कर रहे हैं, और कौन कहता है कि ये सिर्फ हमने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, पर लेकिन हमने पचासों रिएक्शंस देखी जिन्होंने फिल्म देखी,
हमारे इर्द गिर्द भी लोग फिल्म देखे आते हैं, कोई कोई फिल्म देखे बगैर भी अगर आपको पूरी कहानी कोई सुनावे कि इसमें ये था तो क्या आप निर्णय नहीं लेंगे? आप मेरे बाप दादा, आप मेरे पूर्वजों के आप शक्लें बदल देंगे? आप करके दिखाइए किसी और धर्म में, आप मोहम्मद या आप सिखों में उनको चेंज करके उनको आप लुंगी में या उनको आप धोती में लेकर आइए और कहिए कि हमारी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, बाई फोर्स। जैसे कि ठीक कहा है सुरेंद्र जी ने, ये हमारी ये कोई कहानी नहीं है जिसको आप छेड़छाड़ करो, आप शेक्सपियर की कहानी को छेड़छाड़ करो, अरे हजारों पड़ी हुई कहानी को छेड़छाड़ करो, क्यों घुसते हो आप हिंदू धर्म में और फिर कहते हो कि आप सनातनी धर्म के आप ज्ञाता है? अरे मुझे तो लगता है आपने रामायण पढ़ी भी नहीं है। आप कैसे किसी की कंप्लीट काया बदल देते हैं? जो चीज नहीं होनी चाहिए, चमड़ा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है पूरा चरितमानस में। अगर आप कहो कि आप चरितमानस को नहीं मानते, आप जैसे कि एकता कपूर ने महाभारत बनाई थी, वो उसने व्यास मुनि से दो कदम आगे बढ़कर महाभारत बनाई थी, द्रौपदी को यहां पर टैटू लगा दिया था, क्या है आप क्या व्यास मुनि से आगे बढ़ के बना सकते हैं? आप और चीज करिए, पर हमारे देश के ग्रंथों को स्पेशली रामायण और महाभारत को डोंट चेंज। यहाँ पर सिर्फ देखिए, यहाँ पर आप चंद अच्छाइयां बताकर अपनी बुराइयां नहीं छुपा सकते। गाना अच्छा है, वो अच्छा है, देखिए मुझे लगता है मानवी जी आप इससे क्यों बोलते हैं? नहीं, चंद गाने अच्छे हैं, आप बोलते मेरी बेटी सुनती है इसीलिए हम सब माफ कर देंगे, जैसा माफ नहीं करेंगे आपको। हम पूरी फिल्म की समीक्षा कीजिए, चार लब्जों की समीक्षा मत कीजिए, पांच डायलॉग हटाने से फिल्म चेंज नहीं होती। क्या यू चेंज फिल्म के डायलॉग पे आपत्ति हो रही है? मैं समझ सकती हूँ आपको फिल्म के डायलॉग पे आपत्ति हो रही है, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना मुझसे क्यों बहस करती हूँ? देखिए मैं आप रही थी, आप बहुत अच्छा बोलती हूँ, आराम से एक क्वेश्चन कर रही हूँ। हमेशा प्रमोट करती है आप मानवी जी, मैं नेगेटिव को प्रमोट करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ मुकेश जी, सवाल एक है, ये बहुत समय होता है कई फिल्मों को लेकर, कई बार बॉयकॉट की कॉल होती है, कई बार विरोध होता है। अब या तो एक समान मापदंड रहे सब फिल्मों के लिए, या तो हम क्रिएटिव लाइसेंस की तरफ रहे, या हम ये कहें कि भाई बॉयकॉट अगर लोग बोल रहे हैं तो ऐसे फिल्मों में संशोधन हो, बॉयकॉट हो। ये बातें कई बार उठती है। अब एक बतौर आप एक दर्शक भी हैं और आप एक एक्टर भी हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि एक फिल्म कितनी मेहनत से बनती है। बहुत सी फिल्में हाल फिलहाल में भी आई जिन्हें लेकर बॉयकॉट की बात हुई, लेकिन दर्शकों ने पसंद किया और वो बम्पर हिट्स रही, ऐसा भी हुआ है। अब इस फिल्म को भी लेकर हमें आपको लगता है कि निर्णय जनता पर छोड़ देना चाहिए, जनता देखेगी तो हिट है, नहीं देखेगी तो फ्लॉप है, या फिर आपको लगता है नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ये नहीं हो सकता? हाँ डेफिनेटली जनता जनार्दन है, हमारा हमारा हक था उसके रिलीज के पहले बोलने का। इन्होंने चार चार ट्रेलर डाले हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार, पहले ट्रेलर के ऊपर पहले टीजर के ऊपर बवाल मचा था। देखिए मुकेश जी, और उन्होंने रावण को आप चमगादड़ में उठा के ला रहे हो, आप लंका को काली लंका बता रहे हो, सुनिए मेरी बात, आप लंका को काली लंका बता के दिखा रहे हो। हमने अगर रिएक्ट किया है तो हमने फिल्म नहीं देखा, हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में ड्रेस तो दिखती है, ट्रेलर में कॉस्ट्यूम तो दिखता है, हमने फिल्म नहीं दी। अब फिल्म के बाद दर्शक के ऊपर सब कुछ है। अच्छा मुकेश आप बोलते हो हिट फिल्म है, बम्पर आप बोलते हो बम्पर हिट हो गया है, ये बम्पर हिट तीन दिन की बात है। आप देखिएगा सुचरिता जी, हाँ। मंडे के बाद क्या होता है उससे मैं देखूंगा, आप भी देखेंगी, ये मानवी भी देखेगी जो कहती है 250 करोड़ का हुआ है। अरे साहब होगा, कभी भी कंट्रोवर्सी जहां भी होती है वहां पर लोग फूट पड़ते देखने मुझे, के लिए। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है मुकेश जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जनता डिसाइड करती है और खुद डिसाइड करती है। मैं आपकी बात से, क्योंकि मुकेश जी अच्छा बोलते हैं, मैं उनसे प्रभावित जरूर हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मैं अपना एक निर्णय बनाऊंगी, ये भी होगा। मैं एक बार मुकेश जी आपसे भी पूछूंगी, आपने फिल्म देखी है, मैं यहाँ पर कोई कंसेंसस फिल्म को लेकर समर्थन में या उसके खिलाफ बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक फिल्म को लेकर जिस तरह के एक 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 सवाल खड़े हो गए हैं कि इस फिल्म के ये डायलॉग्स खराब हैं या फिर रामायण का चित्रण इस तरह का नहीं हो सकता है, आपने फिल्म देखी है सर? मैं आपको बताऊं, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हाँ। मैंने तमाम ट्रेलर्स देखे हैं, उनके टीजर देखा था, टीजर के वक्त भी हमने विपत्ति जाहिर की थी, हाँ। हमी ने नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के अंदर विपत्ति हुई थी, और ये परिधान को लेकर के, उनके कॉस्ट्यूम को लेकर के ये रिएक्शंस हुए थे, तब तक डायलॉग्स जग जाहिर नहीं हुए थे। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि कहते हैं कि आपका ज्ञान शून्य है अगर आपके आचरण में प्रतिबिंबित नहीं हो,
चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण से ही जो है पूरा चांद छुप जाता है। किसी सफेद शर्ट के ऊपर जरा सी खालस लग जाती है तो पूरे सफेद शर्ट का नाश हो जाता है। मैं मानता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, लेकिन मनोज मुंतशिर अगर कह रहे हैं कि वो 5 डायलॉग्स हटा देंगे तो वो बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन क्या आप फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? क्या आप उसके कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं? क्या आपको फिल्म जो हम बच्चों को ये जो बच्चे रामायण एक्ट करते हैं स्कूल में और मॉडर्न रामलीला के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है उसमें तो आप कभी? अरे मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए ना, मानवी जी प्लीज, आपके पेट में दर्द। अरे आप एंकर हैं, लोगों का पति। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मानवी इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज। नहीं नहीं, मैं करूंगा नहीं पार्टिसिपेट। अगर अगर मानवी जी बिल्कुल सारे मेहमान है, इस तरह की भाषा नहीं कर सकते। राइटर है मनोज और ओम राउत ने टीजर को चेंज करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी, तभी 6 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया, 6 महीने के बाद पिक्चर लेके आए। और उसके बाद अगर उसमें कोई आपत्ति है फिर भी वो ऑनर कर रहे हैं, कहते हैं अगर लोगों को आपत्ति है तो हम चेंज करें। पहले तो सेंसर बोर्ड बैठी थी ना, सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। लेकिन मेरी यहाँ ये आपत्ति है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं, ये सिर्फ एक ही चश्मे से क्यों देखते हैं इनको? जब बच्चे जो स्कूल में रामलीला का प्ले करते हैं उसमें किस तरीके से रामलीला दिखाई जाती है स्टेज पे, और जैसे रामलीला जो हम मॉडर्न रामलीला के नाम पे अश्लीलता परोसी जाती है उसके बारे में ये कभी बात नहीं करते, क्योंकि इनको सिर्फ सिलेक्टिव अप्रोच से नहीं, नहीं, क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है भाई? मुझे लगता है ये सिलेक्टिव अप्रोच है। क्या रामकृपाल जी, मुकेश जी की क्या सिलेक्टिव अप्रोच होगी? मुकेश त्यागी जी का क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? मुकेश खन्ना जी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? नहीं है, वो अपने आप बड़े कलाकार हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। एक मैं बात, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर बचकाना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो करें ये जी, लेकिन आप किसी के आर्गुमेंट को इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपका, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत, रॉन्ग मैनरिज्म है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ किसी बात को, मैं कंक्लूड करके मैं फिर छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसके 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 पीछे पूरी पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ लगातार फिल्में बनती आई हैं, जिस प्रकार से दुर्गा जी के हाथ में, काली माता के हाथ में सिगरेट और शराब, तमाम ऐसी पिक्चरें बनी हैं जिसने हिंदू धर्म का अपमान खुलेआम सिनेमेटिक लिबर्टीज के उसमें की गई हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, सामाजिक जागरूकता बहुत बढ़ गई है। अब आप देखिए पिक्चर के अंदर हनुमान जी को एक कुर्सी उनके लिए छोड़ी गई, मैं उसका सम्मान करता हूँ, परंतु आप पिक्चर बना रहे हैं आदि पुरुष के ऊपर। आदि का मतलब जो प्रथम, जो मूल, जिसके अंदर सनातन तमाम मूल्य हों, उस व्यक्ति के ऊपर पिक्चर बनाने वो, उस पर तो हनुमान जी का जो स्थान उनके चरणों में रहता था। तो ये देखिए मैं आपको बताऊं, 600 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो निवेश करेगा, उसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है, और उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सारे सेगमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए ताकि मैक्सिमम, मतलब 600 करोड़ को कमाने के लिए कम से कम 1200 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए। तो आप उस पिक्चर को किस लेवल पे जाए, जब आपका व्यवसायीकरण, जब आपके आपके व्यवसायिक मूल्य सनातन मूल्यों से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप इस प्रकार के व्यवसायीकरण का नंगा नुमाइश करते हैं। और यही मैं समझता हूं कि आंशिक रूप से धर्म परिवर्तन है मनोज मुंतशिर का। वो कहते हैं कि आपका ज्ञान शून्य अगर आपके आचरण में प्रतिबिंबित ना हो, और कोई भी आक्रमणकारी जब भी किसी उसपे देश पे आक्रमण करता है तो उसके ग्रंथों को पहले जला देता है। तो आपका जो त्रेता युग की जो वाल्मीकि की रामायण थी, फिर उसके बाद रामचरित मानस आई 526 के आसपास, और अब आप जो है कलयुग में अंदर एक घोर कलयुग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन दिखा रहे हैं। ठीक है राम, मैं त्यागी जी, मैं एक बार मुकेश खन्ना जी के पास जाऊंगा, इससे पहले मैं राम के पास। आप मैं एक बार किसी और पिक्चर पे, आप किसी और मजहब पे एक लाइन लिख करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा मनोज मंत्री। देखिए मेरा कहना है कि मैं तो सर मानती हूँ कि किसी भी मजहब पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कई बार इसको कमजोरी के रूप में भी ले लिया जाता है कि आप कुछ भी लिख दें और हिंदू धर्म के लोग कुछ उस पर बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म पर इस तरह का कोई आघात या हमला नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग खड़े हों। लेकिन सवाल और चर्चा उसी बात पर है कि इसमें अब समाधान क्या है, या फिर लोग फिल्में इस फिल्में बॉयकॉट करें, इस तरह की फिल्मों को ना देखें, या फिर जैसा उन्होंने कहा अगर वो संशोधित कर रहे हैं तो लोग अपनी राय रखेंगे रामकृपाल जी, वो तय करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि लोगों ने फरमान दे दिया है नहीं देखेंगे? देखिए मेरा पहला तो सवाल ये, जो मैं पहली बात कहूंगा, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वो सहिष्णु है, उसमें सहने की ताकत है, और ये सहने की ताकत ही सदियों से, कितने लोग आए कितने लोग चले गए, लेकिन आज भी सनातन धर्म है,
तो ये उसकी सहने की शक्ति है। हम विरोध करते करते कहीं ये ना कर दें कि सनातन की जो मूल शक्ति है उसके खिलाफ ही हम जाकर के खड़े हो जाएं। मैं देखिए, मेरा एक विनम्र अनुरोध है, कोई भी कृति वाल्मीकि रामायण को उठाकर देख लीजिए। मैं इतने चौपाइयां और इतनी जानता हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुचरिता जी आप भी बताइएगा। एक बच्चा कहता है कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, दूसरा बच्चा कहता है कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। बताइए दोनों का फर्क क्या है? कोई शब्द इसमें नहीं फेरबदल किया गया है। एक कहता है कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, आपको सुन के बुरा लगेगा, दूसरा कहता है मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। फर्क देखिए यह होता है शब्दों का, शब्दों से जब खेला जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि शब्द को चुनते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। आज उन्होंने मान लिया है गलती हुई, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं जब नौकरी में था, मेरा बड़ा बेटा, अब तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा था जी। एक दिन मैं घर आया, मैंने दरवाजा नॉक किया, मेरा बेटा ऐसे ही पूछता तुलतुली आवाज में, कौन है? मैंने उसे कह दिया तेरा बाप, मैं मजाक में बोला। उसने जाकर के मेरी पत्नी से कहा कि पापा गाली बकते हैं। आज हम जब कहते हैं किसी को माँ बाप की सेवा तो करना जी, नहीं होता है कि चेंज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरा मुकेश खन्ना जी आपसे नहीं करेंगे। बस एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए, हर चीज में ये देखना, आप ये देखिए किसी से गफलत भी हो सकती है, हो सकता है एक सरलीकरण में, जैसे हम लोग अखबार की भाषा जब अखबार में आते हैं तो अपने को डीस्कूलिंग कर लेते हैं, कहीं भी कुछ शब्द नहीं लाते, हम वो लाते हैं, वो भाषा लिखते हैं जैसे बच्चे के मुंह में आइसक्रीम, तो इसलिए लिखते हैं कि ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। हम वहां संस्कृत दृष्ट भाषा से अलग होते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कुछ कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी शब्द ऐसा ना आए जहां उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचे। ये गफलत हुई है और वो मनोज जी खुद मान रहे हैं कि इसको ठीक करने जा रहे हैं। बाकी कस्ट्यूम ऐसा है वैसा है, देखिए मेरा कहना है कि हम फिर कुल मिलाकर के विरोध के लिए विरोध करें, ये भी उचित नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मनोज मुंतशिर ने कहा, उन्होंने कहा कि हॉल से जब बच्चा निकले तो वो जय श्री राम कहते हुए निकले। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि फिल्म भगवान श्री राम पर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर है, और इसीलिए जो लोग आस्था से देख रहे हैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति देखेगा वो किस भाव के साथ सिनेमा हॉल से निकलेगा वो खुद ही तय करेगा। अभी तक बहुत सी बातें कहती सुनी जा रही है, देखी नहीं है, लेकिन अगर देखने के बाद भी वो कुछ तय कर रहा है तो उसकी बात को तो सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बात आप लोग सब इससे सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका महाभारत में जुड़ने के। ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में बात साफ है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अमेरिका में डंका बजाने को तैयार है। उनकी फर्स्ट पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट एज एन इंडिया